बैठाओगे इसकी हंसी देख करके मन तो क्या मुंह पे मारे एक तमाचा, एक के तमाचा मारे मुंह पे घूम जाए। और हंसती है, स्माइल करती है, सर नहीं आती। एक तीन पति वाली चार पति वाली आकर डिबेट करती है, सर मानी चाहिए। हमारे एक मरेंगे तो कम से कम उसके 50 मरेंगे इस बात का। अरे तो ये हमारे भाई शहीद हुए है, दर्द हम लोगों को होता है। वो जो ढकोसला करते हैं न्यूज चैनल वाले, बड़े बड़े चैनल को बायकॉट करें। बिल्कुल, ये धंधा है इसका, खोल रखी है धंधा। वो जो सीमा हैदर को बैठा करके तमाशा करते हैं, शर्म करो नब तब वाले करने के लिए। चैनल्स वाले के लिए देखिए टीआरपी की होड़ ऐसी, भाई ट्रीट कैसे कर रहे हैं जैसे रक्षा विशेषज्ञों को बैठाए हुए। अरे पाकिस्तान से भाग के आई है, ये तो एक शर्म की बात ही, भारत सरकार को सोचना। अरे इसको बैठने की इजाजत किस कौन देता है भाई? भाई सीमा हैदर अभी कहाँ है, भारत में है, क्यों है? व्रत नहीं, ये हिंदू धर्म की, ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रही है। नेटरा पेटरा हाथ से पूजा कर देना। पाकिस्तान तो अपना घर नहीं चला पा रहा, इसको भेज दिया है यहाँ पे बर्बादी करने के लिए। और एक बर्बादी आप देख चुके हैं, वो बर्बादी हमारे भाई शहीद हो गए। और ये आती है मजाक उड़ाती, तो कौन ऐसा हंस के, इसको पता है इसका तो कुछ गया नहीं, जिसका गया उसका सीना छल्ली हुआ, उसके बेबी रो रही है, उसके बच्चे अनाथ हो गए। बैठा करके तीन पति वाली को अपना घर चला नहीं, और चलिए हिंदुस्तान को चलाने के लिए डिबेट पर कर। मैं उस डिबेट के दौरान वो लाइव सेशन में आपस में कोशिश कर रहे थे, और उसका चार को बच्चा में से दो को बच्चा का तो खतना हो गया होगा। बिल्कुल, एक बच्चा का तो हम 100% खतना हो गया। तो उसको कैसे मुसलमान हिंदू बना दोगे भाई? ये तो गड़बड़ है ना, ये जो चैनल वाला है ना, हद है। जब देखे तब मेकअप, जब देखे तब पेट का चर्बी निकाल करके डांस कर रहा है ऐसे ऐसे करके। अरे बंद करो, नहीं तो तुम्हारे घर भी यही घुसेगी, तुम्हारी भी बहन और बेटियां ऐसी ही बनेगी। अगर तुम चाहते हो कि सीमा हैदर वाला हाल तुम्हारी बीवी करे, तुम्हारी बेटी करे, तो फिर करो। तीन पति वाली के पीछे पड़े हुए हो, ये पुरिया के पीछे पेट में पेट का चर्बी उठा उठा के डांस कर रहा है, तो उसको स्टार दे रहे हो। और हंसी देखिए इसका, जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं और ये डिबेट में बैठती है और हंसती है, स्माइल करती है, शर्म नहीं आती कि हमारे देश की, देश का सेना है, हमारे भाई है, हमारे भाई शहीद हुए है, दर्द हम लोगों को होता है। वो जो ढकोसला करते हैं न्यूज चैनल वाले, वो जो सीमा हैदर को नचनिया बना के बैठा करके तमाशा करते हैं, शर्म करो नब तब वाले। तीन पति वाली को अपना घर चला नहीं, और चलिए हिंदुस्तान को चलाने के लिए डिबेट पर करने के लिए। चैनल्स वाले के लिए देखिए टीआरपी की होड़ ऐसी, भाई ट्रीट कैसे कर रहे हैं जैसे रक्षा विशेषज्ञों को बैठाए हुए हैं। अरे पाकिस्तान से भाग के आई है, ये तो एक शर्म की बात ही, भारत सरकार को सोचना। अरे इसको बैठने की इजाजत किस कौन देता है भाई? इस पे तो जांच है ना। बबीता जी लगातार स्टार्टिंग से कह रही हैं, जिस तरीके से सीमा हैदर इंडिया में घुस के आई है, अवैध तरीके से आई है, तो उसको जेल में जाना चाहिए। जांच एजेंसियां जांच कर रही थी लेकिन कुछ भी नहीं। भाई सीमा हैदर अभी कहाँ है, भारत में है, क्यों है? ये एक बड़ा उदाहरण है, लोग के कारण। बिल्कुल, आतंकियों के बुलावे का एक उदाहरण है। ऐसे ही देखिए जो मीडिया है ना, जो बड़े बड़े आज जो ये कोई नहीं दिखाने वाला है, वाले ने कुछ ने बैन लगा दिया है ना, ये जो कुछ मीडिया है जो नेशनल चैनल के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल ये लोग क्या करते हैं, जिसमें कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनता है वो उठा लेते हैं, उठा करके क्या करते हैं, दिखाते हैं, ले देख देख देख। अरे भाई जबरदस्ती दिखाओगे, जबरदस्ती तीन पति वाली को जबरदस्ती दिखाओगे तो देखेगा, तुम दिखा रहे हो। कहे यहाँ इंडिया में, आप भारत में, भारत नारी का कोई सम्मान नहीं है, भारत नारी के अलावा मतलब भारत का जितना नारी है बेकार है, ये तीन पति वाली सीमा इधर बहुत अच्छा कहती है क्या कि आज हमने व्रत किया, आज हमने व्रत किया, व्रत में देखा एपी सिंह ने, मेरे भाई ने कहा कि भाई व्रत कर लो,
अरे चर्बी हिला हिला के डांस करती तो व्रत कब करती थी? अरे व्रत नहीं, ये हिंदू धर्म की, ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रही है। नेत्रा पेटरा हाथ से पूजा कर देना, इसको हिंदू कह दिए। कुछ कुछ सनातनी जो हल्का जो जय हिंदू, तू हिंदू है? हिंदू धर्म में एक एक चीज का मतलब होता है, मुहूर्त होता है, कब आपको क्या करना है, समय होता है, काल होता है, पूजा करना, एक चीज तिथि होता है। अरे मजाक बना के रखे हुए हैं भाई। और भाई एक क्या करोगे? अच्छा एक बात बताओ, इस 37 साल का बुढ़ी औरत, इसको तुम हमको एक बात बताओ, तुम ये 37 साल पहले क्या खाती होगी? जो मुस्लिम धर्म में पाकिस्तान में खिलाता होगा, जो ये लोग नॉनवेज खाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वही खाती होगी ना? बिल्कुल, पेट उसी से शरीर बना होगा ना? बिल्कुल। तो जब उससे शरीर बना, 37 साल में हिंदू धर्म में आएगी और उसका 4 गो बच्चा में से 2 गो बच्चा का तो खतना हो गया होगा। बिल्कुल, एक बच्चा का तो हम 100% होते खतना हो गया। एकदम एकदम। तो उसको कैसे मुसलमान हिंदू बना दोगे भाई? ये तो गड़बड़ है ना। ये जो चैनल वाला है ना, हद है। इसको भारत की नारी नहीं मिली है, इसको मिली है कौन? ये 3 पति वाली सीमा हैदर। पहले अपना घर चला ले, पाकिस्तान तो अपना घर नहीं चला पा रहा, इसको भेज दिया है यहाँ पे बर्बादी करने के लिए। और एक बर्बादी आप देख चुके हैं, वो बर्बादी हमारे भाई शहीद हो गए। और ये आती है मजाक उड़ाती पाकिस्तान ऐसा हंस के, इसको पता है किसका तो कुछ गया नहीं, जिसका गया उसका सीना छल्ली हुआ, उसकी बीवी रो रही है, उसके बच्चे अनाथ हो गए। अरे उसके आर में पैसा कमाएगी? और ये बंद करें ये तमाशा, जो भी चैनल वाले बंद करें। मेरी मजबूरी है आप लोगों तक आपकी आवाज बनू, आप सुने, और आप लोग बड़े बड़े चैनल को बायकॉट करें। बिल्कुल, देखिए मीडिया चैनल्स तो ये कर ही रही है, लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना और भारत, भाई भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है ना, उसका लोहा जो है वो पूरी दुनिया में लेता है। लेकिन दिखा दिया, लेकिन देखिए ना भाई, ये यही औरत दिखाई कि कैसे आना है तुम लोगों को। बिल्कुल, और साथ लेके आई होगी, एक महीना से साथ लेके। अभी आप ये हमारे 3 भाई शहीद हुए जवान भाई, अब देखिएगा कितना और कितना कांड होता है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, हमारे एक मरेंगे तो कम से कम उसके 50 मरेंगे, इस बात का। अरे तो ये 3 नंबर का औरत को ला करके डिबेट बैठाओगे, इसकी हंसी देख करके मन तो किया मुंह पे मारे एक तमाचा, इसके मारे मुंह घूम जाए। इसके पक्ष में मैं भी कभी भी नहीं रहा हूँ मैम, जैसा कि आप देखिए ना उसका चेहरा, देखिए ना उसका चेहरा, देख के बताइए कि इसके अंदर वो बात है कि वो दिख रहा है कि भाई हाँ सीमा हैदर बहुत रो रही है, हंस हंस के बात कर रही है। आप भी एक देखिए, आप यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और दुनिया को काफी करीब से देखा है। देखिए मैं हम बहुत भावुक, एक चीज आप एक गृहिणी भी हैं, आपके भी बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए परिवार की दायित्व जो होती है, दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, एक प्यार होता है बच्चों से, आपके भी बच्चे हैं मैम। क्या अगर घर पे मान लीजिए ऐसा कभी हो ना, लेकिन फिर भी अगर आपके घर पे सुबह में खाना बनाओ और शाम में खाना बनाने को क्या बनाना है या फिर क्या होना चाहिए घर में वो नहीं हो, तो आपके ऊपर किस कदर प्रेशर और टेंशन होगा कि भाई मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, उसे क्या खाना खिलाना है, कैसे खिलाना है? मैम उस लेवल को समझिए, टेंशन को समझिए, उसमें क्या कभी हंस सकता है कोई नहीं? कोई अगर एक बात बताए, आप अगर सक्षम है जी, तो आपको पता है कि चलो आज ये बच्चे सामने ये खा लेंगे, आप जाके खुद भी बना देंगे, आटा चावल है तो रोटी सब्जी है, तो आप खुद भी 4 रोटी या सब्जी, बकायदा हम जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए, उसको भुजिया पसंद है जी, तो कुरकुर टाइप का भुजिया पसंद होता है और पराठा पसंद होता है, वो मेरे हाथ से खाना चाहता है, तो हम जाते हैं रोटी खुद ही बेलते हैं और फिर उसके बाद में उसके लिए कुरकुर भुजिया बनाते हैं। और उस वक्त हमको लगता है कि हमारे बच्चे मेरे गोद में बैठ के अपने हाथों से मैं खिलाती हूँ, हाँ, ताकि वो संतुष्टि से खा ले। और उस समय ये आप मेरा ये चेहरा नहीं देखेंगे, आप हमको नाइटी में देखेंगे, मेरा अलग लिबास होता है, मैं एकदम सिंपल रहती हूँ, ये स्टूडियो में हूँ, बकायदा बंदर बन के नहीं आ सकते, तो ये मेरी मजबूरी है। लेकिन इसको जब देखिए, जब देखिए तब मेकअप, जब देखिए तब पेट का चर्बी निकाल करके डांस कर रहा है ऐसे ऐसे करके, अरे भाई कुछ तो करो, ये सिर्फ धंधा जो है ना, ये धंधा है, इसका खोल रखी है धंधा, ये YouTube से पैसा
और फेसबुक से डांस कर करके पैसा कमाएगी, लोगों से भीख भी मांगती है। हंसी तो मुझे सब आ रही थी, मैं लोगों से भीख मांगती है, स्टार दे दो स्टार दे दो। और देखिए भाई ये बनाएगी 5 मंजिला और जितना हमारा जो जो इसका देवर है आज के डेट में चमचा दो चार ठो जो हिंदू 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 करता है जी। अरे पहले अपना घर का भाई बहन को तो देख लो, अपना माई बहन को तो देख लो, उसका घर का खर्चा तो चला लो, अपना भाई बहन को बचाओ ना पहले। बिल्कुल, इस साला तीन तीन पति वाली के पीछे पड़े हुए हो, इस बुढ़िया के पीछे पेट में पेट का चर्बी उठा उठा के डांस कर रहा है तो उसको स्टार दे रहे हो। अरे बंद करो, नहीं तो तुम्हारे घर भी यही घुसेगी, तुम्हारी भी बहन और बेटिया ऐसी ही बनेगी। अगर तुम चाहते हो कि सीमा हैदर वाला हाल तुम्हारी बीवी करे तुम्हारी बेटी करे तो फिर करो। देखिए मुझे हंसी तब आ रही थी मैम, जैसे अभी के समय में प्यार मोहब्बत के चक्कर में कोई कहीं पे जाके मिलना, छुप छुप के मिलना, ये सब आप शुरुआत से देखती आई होंगी, क्योंकि प्यार के चक्कर में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। कोई नाम कर जाता है भाई कुछ अच्छा करके, कोई कुछ बुरा करके, किसी का मान लीजिए अधूरा प्यार रहा, ये हो जाता है। तो ये छुप छुप के मिलने का एक प्रोसेस होता था, ये एक वो होता था जिस समाज में हम खुलेआम कुछ नहीं, बिल्कुल खुलेआम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिये ये प्राइवेसी वाली चीज है। हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो खुलेआम सबको दिखा के क्या करना, जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन देखिये हंसी मुझे तब आ रही थी जब एक न्यूज चैनल में सीमा हैदर और सचिन दोनों एक साथ डिबेट में थे। मैम उस डिबेट के दौरान वो लाइव सेशन में आपस में कोशिश कर रहे थे। अब बताइए चैनल वाला बोला क्या होगा, क्या हो रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो। चैनल वाला बोला होगा कैसे कीजिए, टीआरपी, हाँ टीआरपी कीजिए थोड़ा सा हमको। अरे बस देख तमाशा देख, बंदरों का देख, वही बात है। वही तो है, बंदर बंदर या तो ये है भाई, सीमा सचिन है क्या, वही तो है हम देखें। और ये बंदर बंदरिया सबको बंदर बना के निकलेगी, एक बात इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ये दोनों बंदर बंदरिया एक दिन पूरे नहीं भाई, बंदर और बंदरिया हम लोग हैं, वही बना के जाएगी। बंदर और बंदरिया हम लोग है, उम्मीदारी है, वो डमरू बजाती है और न्यूज चैनल जो उसके पीछे पीछे घूमते है। तो बतुआ तो एक ही ना, पैसा कमाने के लिए बैठी है और हम समझाने के लिए बैठे है कि अभी भी आप सुधर जाइए। जितने बड़े बड़े चैनल्स है आप अपनी अपना शिकायत एक लगाइए ताकि योगी जी के कान में जू रहेंगे। और योगी जी से मैं प्रार्थना करती हूँ इसको तत्काल डिटेंशन सेंटर भेजा जाए। बिल्कुल, देखिए जब तक आप जिस तरीके से सोनिया अख्तर को डिटेंशन सेंटर में रखे हुए, चूंकि बाकायदा वो वीजा लेके 6 महीने का वीजा लेके आई है, फिर भी उसको डिटेंशन सेंटर में भेजा है ना जी, तो ये तीन पति वाली ये तो इनलीगल तरीके से आई है जी। तो इसको बाजार में बैठाने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। अभी भी मैं प्रार्थना करूंगी योगी जी से कि आप इसको डिटेंशन सेंटर में भेजे, ये तमाशा बंद हो जल्द से जल्द। जिस तरीके से हमारे सेना आज 3 सेना के जवान शहीद हुए हैं, फिर हम लोग ना देखे। बिल्कुल, देखिए सीमा हैदर ने जो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और कश्मीर के अनंतनाग में हमारे भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, उसको लेकर हमारी पूरी देशभर टीम मार्मित है। और सीमा हैदर का ये जो हरकत था उसको लेकर हम ये डिबेट कर रहे थे और काफी जरूरी था, क्योंकि सीमा हैदर को लेकर तमाम मीडिया चैनल्स जो है वो हवा बना के रखे हुए हैं, वो उसे सेलिब्रिटी बना के रखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और हम आग्रह करेंगे तमाम दर्शकों से जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तमाम उस चैनल्स को बायकॉट करिए जो सीमा हैदर को दिखा रहे हैं इस वे में कि वो बहुत भारत के लिए कोई एक बड़ी एक अवार्ड हो गई हो, ऐसा अगर कोई दिखा रहे हैं। नाम आप अपने बच्चों को सही संस्कार दे, बिल्कुल सही, अपने पत्नी अपने बच्चों अपने घरों को सही संस्कार दे, सीमा हैदर जैसा संस्कार ना दे, नहीं तो हमारा भारत शर्मसार हो जाएगा। फिलहाल के लिए देशवाणी न्यूज में इतना है, धन्यवाद।